हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक सीएस से कर रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि एरिया, अब चूंकि बिगिनर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इनको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ यूजर। तो कैसे कैलकुलेट करें ये पूछ रहे हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो पाइथन का जो ये पाइचाम, अब यहां पर पाइचाम ओपन हो चुका है, ठीक है, यहां पर हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, कैसे कोडिंग करेंगे, देखिए यहां पर a नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, ये देखिए यहां पर इसको क्लोज करता हूं, यहां a नाम से एक वेरिएबल बनाया, a इज इक्वल टू, अब यहां पर ये int टाइप का है तो यहां पे int लिखा मैंने। ठीक है, और int लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप फ्लोट टाइप का बनाना, देखिए चूंकि कारण क्या है फ्लोट बनाने का, अगर मैं इंट बनाता तो इंट या तो प्लस या तो माइनस में वैल्यूज कंटेन करता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लोट टाइप का हम बनाते हैं तो फायदा यह होगा कि हम वहां पे डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाए इसलिए मैं यहां पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूं। तो ये फ्लोट ले लिया हमने और यहां पर क्या देंगे, एंटर डबल इंटेड कोट्स में दे देते हैं या सिंगल इंटेड कोट्स, यहां पर देता हूं मैं एंटर द फर्स्ट साइड। ठीक है, तो चूंकि ट्राइंगल है तो यहां पर लिख दिया मैंने एंटर द फर्स्ट साइड। ठीक है, और यहां पर इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, देखिए फ्लोट के बाद भी हम क्या लगाएंगे, इनपुट लगाएंगे, तो यहां पे लिख दिया मैंने इनपुट कुछ इस तरीके से INPUT, तो फ्लोट इनपुट, और यहां पर दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, b इज इक्वल टू, अब यहां पे फिर लिखेंगे फ्लोट इनपुट, तो ये फ्लोट लगा दिया और फिर यहां पे लगाएंगे इनपुट इस तरीके से, और ये ब्रैकेट ओपन करके रहेगा, ये ब्रैकेट ओपन हुआ फिर यहाँ इनपुट लगाएंगे, तो ये फ्लोट इनपुट लगाया हमने और एंटर द सेकंड नंबर यहाँ पर दे देंगे, एंटर द सेकंड साइड देंगे, नंबर नहीं बल्कि साइड, सेकंड साइड। ओके, और फिर चूंकि त्रिभुज है ट्राइंगल है तो तीन को साइड होगा तो तीनों साइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू, फिर यहां देंगे फ्लोट और फिर यहां देंगे इनपुट और फिर यहां देंगे एंटर द थर्ड साइड, एंटर द थर्ड साइड एस आई डी ई, तो ये तीनों हमने दे दिया। अब ये देने के बाद देखिए ये तो हो गया, लेकिन अब यहां पर असली काम आएगा, देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पे मैं लिखता हूं एक और बनाता हूं एस इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूं तीनों को जोड़ देता हूं ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों को जोड़ दिया और इसको क्या करता हूं मैं दो से इसको डिवाइड करा देता हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर एक एरिया नाम से बनाता हूं, तो एरिया इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं यहां पे लगाता हूं एस, क्योंकि एस नाम से तो बनाया ही है, तो ये एस लगा लिया हमने और इनटू, यहां पे इनटू लगाइए और फिर एक ब्रैकेट ओपन कीजिए एस माइनस ए, एस माइनस ए, तो ये एस माइनस ए कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां फिर इनटू लगाइए और फिर यहां पर कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके एस माइनस बी, ठीक है, फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए इनटू लगाइए और फिर ब्रैकेट ओपन करके एस माइनस सी, तो ये तीनों कर दिया हमने, आप देख सकते हैं। अब इन तीनों को करने के बाद यहां पर दोनों ब्रैकेट्स क्लोज हो ही चुके हैं, हमें यहां पर एक्सपोनेंट वाला साइन लगाना है, तो ये दो बार इनटू लगाइएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। ठीक है, ये काम हो गया हमारा, अब बस इसको प्रिंट करवा दीजिए, तो ये लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, ये लिख दिया हमने और यहां पे कुछ इस तरीके से कर देता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं फॉर्मेट एरिया, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिखने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए, जाएंगे और यहां से इसको रन करवाएंगे, तो ये मेन वाला है हमारा, इसको एक बार रन करवा देता हूं, यहां पे देख सकते हैं यहां पे आ रहा है एंटर द फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया, अब यहां पे कह रहा है एंटर द फर्स्ट, तो एरिया पहला हम एंटर करते हैं, यहां पे पहला साइड 5.6 एंटर करता हूं। ठीक है, तो पॉइंट में एंटर हो गया क्योंकि फ्लोट लिया था, दूसरा एंटर करता हूं 7.2 और तीसरा एंटर कर देता हूं 6.8। ठीक है, अब एंटर किया, अब यहां पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 17.917 और ये वगैरह वगैरह इस तरह से करके आ रहा है।
ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रन करवाता हूं, यहां से रन करवा लेते हैं इसको मेन को, तो ये दोबारा रन करवा लिया। अब इस बार हम होल नंबर देते हैं 7 दे दिया, ठीक है। इस बार 8 दे देता हूं और इस बार 9 दे देता हूं। तो यहां पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे 26.8328 समथिंग समथिंग इस तरीके से आ रहा है। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो, ये प्रोग्राम समझ में आया हो, तो इसे शेयर कर सकते हैं और अदर वीडियोस की डिमांड हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।